हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना टिक्की। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना टिक्की बनाने के लिए मैंने हाफ कप साबूदाना को 6 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, अच्छे से फूल गए हैं। अब मैंने इनको पानी से निकाल दिया है। इसके बाद हमको चाहिए होगा 2 बॉइल्ड पोटैटो, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक पेस्ट रेडी किया है, जिसमें मैंने ऐड किया है कोरिएंडर लीव्स, 1 ग्रीन चिली एंड जिंजर। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैंने 1/2 बोल पीनट लिया, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। इसके बाद हम लेंगे 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, सम कोरिएंडर लीव्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटेड पोटैटो को डालेंगे। इसके बाद हमने जो पीनट को ग्राइंड किया है वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो अपना पेस्ट रेडी किया था वो ऐड करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम एक बोल में रिफाइंड ऑयल लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम रिफाइंड ऑयल को अपने हाथों पर लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो साबूदाना का मिक्सचर है वो हाथ पे चिपके ना। अब हम एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और उसको हम टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, हम कुछ इस तरीके से टिक्की बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारी सारी टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे, और याद रखिएगा, हमारा ऑयल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। अब हम सारी टिक्कियों को ऑयल में डालेंगे, और हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो इनको हम डीप सिम पे ही पकाएंगे। कुछ टाइम बाद हम अपनी टिक्कियों को एक बार पलट देंगे। ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी साबूदाना टिक्की रेडी हो चुकी है। अब आप इसको केचप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।